मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है गांव वालों और वेली भाइयों के लिए। दोस्तों, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो जनसेवा के केंद्र का काम बिल्कुल फ्री में घर बैठे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसके लिए आपको आवश्यकता होती है जनसेवा केंद्र लेने की। दोस्तों, बिना जनसेवा केंद्र लिए बिना आप घर बैठे पूरा जनसेवा के केंद्र का काम बिल्कुल फ्री में किस प्रकार कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। दोस्तों, इसके लिए आवश्यकता होगी आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेने की। दोस्तों, जितने भी जनसेवा केंद्र चलाते हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन। दोस्तों, आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेने के बगैर भी आप पूरा जनसेवा केंद्र का काम किस प्रकार घर बैठे गाँव में कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा ई डिस्ट्रिक्ट .up.gov.in। तो दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखा है सिटीजन लॉगिन। तो दोस्तों, सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, इसमें सभी सेवाएं आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं। इसमें कोई भी आम नागरिक अपना सिंपली रजिस्ट्रेशन करके अपनी सभी सेवाएं को बिल्कुल फ्री में उठा सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक पंजीकरण की। दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है नवीन उपभोक्ता पंजीकरण। दोस्तों, अपना यहां पर नवीन उपभोक्ता पंजीकरण क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो फॉर्म है वो आ जाएगा। दोस्तों, पहले आपको ये फॉर्म पूरा फिल करना है और फिल करने के बाद आपकी जो आईडी है फ्री में एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट की जो आईडी है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी आईडी को लॉगिन करके सभी सेवाओं को बिल्कुल फ्री में पा सकेंगे। दोस्तों, आपको आईडी किस प्रकार बनानी है वो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। दोस्तों, आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है कि आप 6 से 8 करेक्टर यहाँ पर मान्य हैं वो डालिए। दोस्तों, वही करेक्टर यहाँ पर उपलब्ध जो होंगे वही आपकी यहाँ पर जो है मानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आप आईडी किस प्रकार बनाएंगे वो आपको हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप नाम के 4 अक्षर पहले के डाल लीजिए, उसके बाद आखिर के कुछ अंक डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर उपभोक्ता जांच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सही निशान का टिक आ जाएगा। तो दोस्तों, वो आईडी अगर मौजूद होगी तो यहाँ पर सही का निशान आएगा, अगर आईडी मौजूद नहीं होगी तो गलत का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम डालना है, जन्मतिथि डालनी है और यहाँ पर लिंक सेलेक्ट कर लेना है। और इतना कुछ डालने के बाद यहाँ पर अपना जो पता है वो डाल लेना है और उसके बाद अपना पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद जिला चुनना है और मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और डालने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं डाल दीजिए। यहाँ पर आपको सुरक्षा कोड डालना है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है GRJ। दोस्तों, आपके में कुछ अलग होगा। दोस्तों, ये कैप्चा जो कोड है वो चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, उसके बाद ये पूरी डिटेल आपको भर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित कर लेना है। सुरक्षित करने के बाद आपकी जो आईडी है बनकर तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद यहाँ पर आपको ये जो स्टेप है उसको कट कर लेना है। फिर से आपको इसी को खोलना है। खोल लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आईडी आपने ऊपर बनाई थी उसको आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो नोट करने के बाद जो यूजर आईडी आपने बनाई थी वहाँ पर आपको वही यूजर आईडी आपको यहाँ पर आपको डालने कर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पहले हम आपको बता दें कि जो पासवर्ड है वो आपको चेंज कर लेना है। चेंज कैसे करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपने यूजर नेम में चुना है ऊपर वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद पासवर्ड रिसेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पासवर्ड रिसेट पर क्लिक करेंगे आपकी जो मोबाइल पर है ओटीपी पहुंच जाएगी। ओटीपी पहुंचने के बाद यहाँ पर आप जब ओटीपी डालेंगे उसके बाद आपको जो कंफर्म पासवर्ड है वो आपको 4 से 8 अंकों का बना लेना है। दोस्तों, उसमें आप क्या कीजिएगा, अपना नाम और उसके बाद @ या फिर कोई प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह, उसके बाद 4 अंक जो हैं वो अंकों में डाल लीजिएगा और वही पासवर्ड आपको कन्फर्म और नॉट कन्फर्म में दोनों में आपको डाल लेना है। तो दोस्तों, डालने के बाद उसको कन्फर्म कर लेना है। करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। बनने के बाद आपको दोबारा इसको सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपनी जो यूजर नेम है यहाँ पर आपको डालना है, जो आपने पासवर्ड बनाया है दोबारा वो यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसे ही मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ,
और यहाँ पर अपना कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। दोस्तों जैसे ही अपना पासवर्ड और कैप्चा यूजर नेम डालकर सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये जो सारी सेवाएं हैं वो खुल जाएंगी, आप इनका बिल्कुल फ्री में लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन करेंगे, जैसे जाति प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन करते टाइम आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जो सरकारी फीस है वो तो आपकी खाते से या फिर एटीएम से आप कटवा सकते हैं। कटवाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएगा। दोस्तों कहीं भी जनसेवा केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है, दोस्तों सबसे पहले हम जाति प्रमाण पत्र क्लिक करेंगे, किस प्रकार मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा जो फॉर्म है वो जाति प्रमाण पत्र का खुल चुका है। खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में आपको एक फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, उसके बाद एक आधार कार्ड, दोस्तों इतने ही तीन डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। दोस्तों फ़ोटो आपको 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट किस प्रकार प्रॉपर रिसाइज करते हैं, दोस्तों इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो उस वीडियो देखकर आप इसका जो रिसाइज है वो बना सकते हैं। इस प्रकार आपको बिल्कुल फ्री में गांव में कोई भी आम नागरिक इतनी सेवाओं का लाभ बिल्कुल फ्री में ले सकता है। दोस्तों ये जो है वो सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है, इसका जो उपयोग है बहुत कम लोग बताते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं, दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।